सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर लूट की घटना सामने आई है। लगातार आपराधिक घटनाओं से इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। आज दिन दहाड़े अपराधियों ने NH 327 ई पर देना पट्टी में ईट भट्टा के समीप हथियारों के बट से बाइक सवार को घायल कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना में बाइक सवार राजू कुमार को बुरी तरह चोट लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पिपरा CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि किशनपुर के करहैया में राजू कुमार अपना कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचकर अपने संबंधी के घर पैसा देने के लिए त्रिवेणीगंज जा रहा था। तभी रास्ते में पिपरा थाना क्षेत्र के दीना पट्टी के समीप एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर बाइक में धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद बदमाशों ने उसके कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए और वहां से भाग खड़े हुए। लूट के दौरान बदमाशों ने पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल भी कर दिया। बताओ ना कना बोले घर से आइए, घर से आकर हमारा नहर के बाद गाड़ी देख लीजिए पीछा में आवे के अलावा नहीं देखे कुछ पीछा में सके पहले ही तीन बार आगा से गाड़ी खड़ी करके मोटरसाइकिल से ले क्या तो मोटरसाइकिल से एक ही बार तीन बार गाड़ी गिर ली लाइट मार गिर ली है गलत लाइट मार लेके गिर ली और मुटा मार ले पैसा मांग लगे पैसा दे दी कत टका रहा कत जाते की नाम बोल तो कत जाते कत से त्रिवेणीगंज में के रहे तोहर नाम की बोलो घर कर वार्ड नंबर थाना 1.5 लाख रुपया।